लोकसभा चुनाव से जुड़ी सारी बड़ी खबरों के साथ आपके सामने मौजूद है। दोस्तों चलेंगे एक एक करके सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन पूरे देश भर के अंदर परिवर्तन ला सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को चुनाव जितवाने वाले चुनावी सलाहकार सुनील कोनुगोलो ने एक सर्वे कराया है। दोस्तों उन्होंने जानकारी दी है कि 260 सीटों पर कराए गए सर्वे के बाद उनको पता चला है कि पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर कम से कम 100 सीटें जीतेगी और मैक्सिमम 150 सीटें जीतने वाली है। दोस्तों यानी इस बार कांग्रेस पार्टी के आंकड़े में 70 सीटों के आसपास इजाफा हो सकता है, यानी 120-122 के आसपास एवरेज आकर कांग्रेस पार्टी की सीटें हो सकती है। ये जानकारी सुनील कोनुगोलो ने कराए गए सर्वे के बाद किया है। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए तेलंगाना और कर्नाटक में काम किया था, जहां पर दोनों राज्यों के अंदर बड़े बड़े राजनीतिक पंडित कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत पाएगी, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने बहुमत से सरकार बनाई और इसके बाद तेलंगाना के अंदर भी कांग्रेस पार्टी की बहुमत से सरकार बन गई है। दोस्तों और पूरे देश भर के अंदर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कैंपेन की जिम्मेदारी सुनील कोनुगोलो को दी गई है। दोस्तों जो एक एजेंसी चलाते हैं जो चुनाव को लेकर पूरी तैयारी करवाती है, कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के कई सारे वर्तमान के सांसदों के टिकट काटने को लेकर भी उन्होंने पार्टी आला कमान को सुझाव दिया है। कांग्रेस पार्टी 2024 के चुनाव में अगर अपना आंकड़ा 120 से 130 तक पहुंचा देती है तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े यानी 272 के आंकड़े से काफी नीचे आ जाएगी और इसके बाद इंडिया गठबंधन आपस में मिलकर सरकार बनाने की दावेदारी कर सकता है। दोस्तों इस स्ट्रेटजी पर लगातार काम किया जा रहा है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत के अंदर सारी सीटों पर बीजेपी को पछाड़ने की जगह कुछ ऐसी सीटों को टारगेट कर रही है जहां पर कांग्रेस पार्टी के जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा है। और यही बड़ा कारण है कि पूरी स्ट्रेटजी के साथ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उन क्षेत्रों से राहुल गांधी की यात्रा गुजर रही है जहां पर कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत है और कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल चाहे बिहार के अंदर तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों मिलकर बीजेपी को अपने अपने स्तर पर कई सीटों पर रोकने वाले हैं। दोस्तों यानी पूरे उत्तर भारत के अंदर बीजेपी को कम से कम 100 सीटों का नुकसान पहुंचाने को लेकर पूरी रणनीति बनाई गई है। आप लोग अपनी राय जोड़ने के साथ साथ प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुई, जहां उन्होंने कहा कि इनका बुलडोजर किसके घर पर चलता है, जिसने किसानों पर जीप चढ़ा दी उसके घर पर बुलडोजर चला क्या, लोगों से सवाल पूछा गया, लोगों ने कहा नहीं, जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार किया क्या उसके घर पर बुलडोजर चला, लोगों ने कहा नहीं, जो पेपर लीक कराते हैं घोटाले करते हैं क्या उनके घर पर बुलडोजर चला, लोगों ने जवाब देते हुए कहा नहीं चला, जितने बड़े बड़े इश्तिहार आपको दिखते हैं इसमें आपको दिखता है कि बहुत तरक्की हो रही है, जब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा, पेपर लीक होना बंद नहीं होगा, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक तरक्की नहीं होगी। प्रियंका गांधी की इन बातों पर आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों साथ साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान युवाओं ने पेपर लीक का एक बड़ा मामला उठाया था, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार पहले यह मानने को तैयार नहीं थी कि पेपर लीक हुआ, लेकिन लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरकर जिस तरीके से युवाओं ने प्रदर्शन किया उसके बाद बीजेपी सरकार को अपना फैसला पलटना पड़ा और सरकार ने परीक्षा को रद्द कर दिया है। दोस्तों पेपर लीक के आरोप के बाद राहुल गांधी ने कहा कि छात्र शक्ति और युवा एकता की बड़ी जीत, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा आखिरकार निरस्त हो गई है, संदेश साफ है, सरकार कितना भी सच को दबाने की कोशिश करे एकजुट होकर लड़ने से ही अपना हक जीता जा सकता है, जो जुड़ेंगे वो जीतेंगे, जो बटेंगे वो कुचल दिए जाएंगे, इसीलिए राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं। दोस्तों और इसका असर भी देखने को मिल रहा है, राहुल गांधी की यात्रा के दौरान जो सवाल खड़े किए गए थे उस पर आखिरकार योगी सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा है। सांसद वरुण गांधी पीलीभीत से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, ये जानकारी सर्वे करने वाली बड़ी एजेंसियों में से एक जन की बात ने कही है। उन्होंने स्पष्ट जानकारी दी है कि सपा से टिकट की कोशिश कर रहे हैं वरुण गांधी, उनको टिकट मिलते ही पीलीभीत से मैदान में उतरेंगे। इन सारी चर्चाओं के बीच में जो एक बात सच है वो ये कि वो पीलीभीत से मैदान में उतरने जा रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि क्या सुल्तानपुर से उनकी मां मेनका गांधी चुनावी मैदान में उतरेगी। आप लोग अपनी राय जोड़ने के साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में टूट और पार्टी पर हक को लेकर जारी विवाद के बीच शनिवार को रकंपा शरद चंद्र पवार की पार्टी की नेत्री और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने अपने भाई और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि पश्चिम महाराष्ट्र में पानी की किल्लत को लेकर अजीत पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक सर्किट हाउस में उपमुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधि मंडल में विधायक रोहित पवार और राजेश टोपे शामिल थे। यहां सूले ने मुलाकात के बाद कहा कि पीने और सिंचाई के लिए पानी का मुद्दा गंभीर है, मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र पुणे जिले बारामती में जल संकट को लेकर यह जानकारी दी है। हालांकि दोनों भाई बहनों के बीच में मुलाकात हुई है तो इसका सीधा मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजनीति पर चर्चा की गई है, बारामती से अपनी पत्नी को उतारना चाहते हैं अजीत पवार, जहां से वर्तमान में उनकी बहन सुप्रिया सुले सांसद है। आप लोग अपनी राय जरूर स्पष्ट कीजिएगा। दोस्तों साथ साथ बीजेपी सरकार की विदेश नीति और देश के अंदर रोजगार नौकरी बेरोजगारी ध्वस्त और खत्म हो रहे रोजगार ध्वस्त बर्बाद हो चुकी अर्थव्यवस्था का परिणाम नहीं चाहिए बीजेपी। दरअसल दोस्तों जॉब के चक्कर में रूस गए भारतीयों को लड़ना पड़ रहा है युद्ध, ये जानकारी जब न्यूज अखबारों में छपी है तो अखिलेश यादव ने भी कहा कि युद्धग्रस्त देशों में मजबूर बेरोजगार भारतीय युवाओं को जाना पड़ रहा है, भाजपा की संकीर्ण नीतियों की सबसे बड़ी हार है, इधर देश में बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं और उधर विदेशों में जाने पर विवश होकर जान हथेली पर लेकर जीवन मरण का संघर्ष करना पड़ रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी दरअसल अपनी नकारात्मक
सकारात्मक दकियानुसी सोच और नीति में सबसे छोटी पार्टी है। आप लोग अपनी राय जो लिख बताएगा। दोस्तों सांसद शरद पवार ने लॉन्च की अपनी पार्टी, चुनाव चिन्ह जनता को बताया गया है, नए संघर्ष की शुरुआत और प्रेरणा होगा यह प्रतीक। रकम्पा के संस्थापक शरद पवार ने शनिवार को रायगढ़ जिले के अंदर अपनी पार्टी के लिए नए चुनाव चिन्ह का अनावरण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह चुनाव चिन्ह नए संघर्ष की प्रेरणा को आगे बढ़ाएगा, सरकार को जनता के लिए काम करने के लिए प्रेरित करेगा। तुरहा बजाते हुए व्यक्ति ये चुनाव चिन्ह देखते आने वाले दिनों के अंदर शरद पवार किस तरीके से कैंपेन करते हैं दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मामला चल रहा है एनसीपी के पुराने घड़ी वाले सिंबल को लेकर। आप लोग अपनी राय जो लिखा था। साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के पैतृक गाँव हिसावदा में गुरुवार सुबह सीबीआई की टीम ने उनके पुश्तैनी हवेली पर छापा मारा है। इसके बाद पूर्व राज्यपाल ने शुक्रवार को एक्स यानी सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने कल मेरे आवास पर छापा मारा, जिसमें सीबीआई के प्रवक्ता ने मेरे आवास से भारी मात्रा में नकदी और विभिन्न शहरों में मेरी संपत्ति होने की बात कही, जो बिल्कुल झूठ है। मुझे बदनाम करने के लिए मेरे ऊपर झूठा लांछन लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे गाँव में जो मेरी पैतृक संपत्ति है वह बहुत पहले बिक चुकी है। हाँ, मैंने एक फ्लैट जयपुर में बैंक से ऋण लेकर लिया था, जिसकी किस्तें मेरी पेंशन से कट रही है। इसके सिवा मेरे पास कर्ज ही कर्ज है। अगर सरकार वो लेना चाहती है तो ले सकती है। मैंने भ्रष्टाचार में संलिप्त जिन लोगों की शिकायत की थी उनके ऊपर कार्रवाई ना करके सीबीआई तानाशाह के इशारे पर मुझे बदनाम करने के लिए और डराने की कोशिश कर रही है। आप लोग अपनी राय जरूर स्पष्ट कीजिएगा दोस्तों। साथ इंडिया गठबंधन में एक बार फिर से जान आने लगी है। कुछ दिनों पहले तक टूट की कगार पर पहुंच चुके विपक्षी गठबंधन में पड़ी गांठें धीरे धीरे खुलने लगी है। कवायद यही है कि किसी तरह गठबंधन को जिंदा रखा जाए, बीजेपी के खिलाफ मजबूत मोर्चा तैयार किया जाए। गठबंधन को लेकर अब तक जो तस्वीरें सामने आई है उसमें सबसे बड़ा पहलू कांग्रेस का कमजोर होना ही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 17 सीटों पर संतोष करना पड़ा, वहीं पर दिल्ली में उसे आम आदमी पार्टी के आगे 3 सीटों पर मानना पड़ा। इतना ही नहीं, कांग्रेस को मध्य प्रदेश में सपा को खजुराहो सीट और आम आदमी पार्टी को गुजरात और हरियाणा में सीटें देनी पड़ी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है दोस्तों। और गठबंधन बनाया था कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन, तो आगे बढ़कर कांग्रेस पार्टी की ओर से बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी जा रही है। कई राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी को टिकट दिए गए हैं, सीट शेयरिंग में टिकट सीट दिए गए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी हर हालत में गठबंधन करना चाहती है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी का आला कमान की जमकर तारीफ होनी चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ चुनावी बॉन्ड की जगह मैंने नेशनल इलेक्शन फंड बनाने की मांग की है। दरअसल दोस्तों देश के पूर्व इलेक्शन कमीशन के चीफ एसवाई कुरैशी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मनी बिल तो राज्यसभा में डिस्कस नहीं होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड को बजट के जरिए लाया गया। अगर राज्यसभा में चर्चा होता तो सरकार के पास बहुमत नहीं था, यानी 2017 में जो इलेक्टोरल बॉन्ड आया था उसे पास करने के लिए मनी बिल का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि सरकार के पास पूरा कंट्रोल था मनी बिल पास कराने का, और क्योंकि राज्यसभा में मनी बिल पास होना जरूरी नहीं है। और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि इलेक्टोरल बॉन्ड को बिना राज्यसभा के पूरे अनुमति के पास कर दिया गया, यहां तक कि डिस्कशन भी नहीं हो पाए, जैसा डिस्कशन किसी कानून के बनने से पहले होता है। अगर डिस्कशन हुआ होता तो शायद ये नौबत नहीं आती, सुप्रीम कोर्ट को मामले पर दखल नहीं देनी पड़ती। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। दोस्तों इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।